तो हे गाइस, आज कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करेंगे, वो भी पिक्सआउट में, जो कि अपना विंग्स होगा और बैकग्राउंड में एक एरर वाला पीएनजी होगा। ठीक है, स्पॉट हो जाए, फिर आएंगे स्टिकर वाला टूल पे, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इन सब पीएनजी का लिंक मिल जाएगा। तो विंग्स वाला वाइट कलर का है विंग्स, तो उसका पीएनजी लेंगे और अपने जो होता है ना बॉडी पे मारेंगे। ठीक है, तो एक साइड वाला इरेज कर देंगे और एक मतलब एक ही साइड वाला पीएनजी को रहने देंगे और इरेज हो जाए, फिर डन करेंगे और फिक्स कर लेंगे कि कितना चाहिए। फिर आ जाएंगे इरेजर वाला पे। ठीक है, और इरेजर वाला टूल पे आने के बाद में ना यहाँ पे जो लिखा है ना सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट वाला, तो उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे ऊपर पे लिखा है बैकग्राउंड, तो उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सब्जेक्ट से पीछे चला जाता है बैकग्राउंड के, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे जो पीएनजी लगाए हैं वो चला जाता है, और यहाँ पे दोनों पीएनजी मतलब दोनों साइड का विंग्स आ जाता है। तो एक साइड का विंग्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो एक साइड का विंग्स परफेक्टली आ गया, अगर जो कुछ अप एंड डाउन है तो उसको पहले फिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ गया तो उसको पहले इरेज कर लेंगे, और इतना हो जाए फिर डन कर देंगे। फिर आएंगे फिर से स्टिकर वाला टूल पे और वही वाला पीएनजी लेंगे, दूसरे साइड पे अपना वो पीएनजी मारेंगे, तो उधर वाला जो पहले लगा चुके हैं विंग्स का पीएनजी, तो उधर वाला पहले उसको रिमूव कर देंगे, और जितना चाहिए तो उतना पहले इरेज करेंगे, उसके बाद में फिर से डन करेंगे और आ जाएंगे फिर से पहले फिक्स कर लेंगे कि कितना के अराउंड में अपने को चाहिए, उधर वाला भी किए इधर वाला भी किए। फिर आ जाएंगे इरेजर वाला टूल पे और वही सब यहाँ पे लिखा है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर पे लिखा है बैकग्राउंड, तो उस पर क्लिक करिएगा तो दोनों साइड का ले लेता विंग्स, तो जिस साइड को रखना है वही साइड को रखेंगे, दूसरा साइड वाला उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हिल जाता है गाइस, तो आप लोग उसको मतलब अप एंड डाउन करके उसको फिक्स कर सकते हैं कि कितना चाहिए, और कुछ बॉडी पे एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, यहाँ से इरेजर में जाके हल्का सा आ रहा बॉडी पे, तो इरेजर वाला पार्ट पे आएंगे और जहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा इरेज मतलब ज़्यादा पार्ट आ रहा है तो उसको हल्का सा इरेज कर देंगे। ठीक है, तो फिर से डन करेंगे, इरेज हो जाए, उसके बाद में फिर से आएंगे स्टिकर वाला टेप पे और बिफोर आफ्टर परफेक्टली लग गया, स्टिकर वाला टेप पे आएंगे और लेंगे एक एरर वाला पीएनजी है, तो ये थोड़ा छोटा है तो इसको टान के हल्का लंबा कर लेंगे और फिक्स बैठा देंगे कितना अपने को चाहिए। फिर आएंगे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे और यहाँ से कर देंगे इसको स्क्रीन। ठीक है, तो ये तो पूरा फेस पे आ रहा है तो वही करेंगे, इरेजर वाला टूल पे जाएंगे और सब्जेक्ट वाला पे करके उसके बाद में बैकग्राउंड पे टैप कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट पे ये चला जाता ना, सब्जेक्ट पे नहीं रहता, फिर ये चला जाता ऑब्जेक्ट पे, तो जितना पे अपने को रखना है तो वहाँ पे जाके इसको फिक्स कर लेंगे और हल्का सा ओपेसिटी को डाउन कर देंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ठीक है, तो इतना होने के बाद एक पीएनजी और है एरर वाला, जो कि हल्का सा डबल लुक देता है फोटो में, तो आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते। तो इन सब जितना भी पीएनजी है तो सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी लगा लेते हैं और अपने अराउंड फिक्स कर लेंगे कि कहाँ पे चाहिए अपने को। ठीक है, फिर डन कर देंगे, तो बिफोर आफ्टर पूरा चेंजेस हो गया फोटो और पूरा वाइट कलर का विंग्स पीएनजी हो गया गाइस। तो अगर जो इसको और भी थोड़ा सा रिटचिंग करना हो तो इसको लाइट रूम में जाके रिटचिंग कर लेंगे, और इसका इस फोटो का लाइट रूम पे मतलब कैसे इस फोटो का एडिटिंग किए तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।